उसमें वहाँ पर गई, तो वहाँ पर क्या आप लोगों ने क्या नया किया है और क्या आपकी संस्था आपकी कंपनी क्या कुछ कर रही है इसके बारे में बताएं। अब जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी संस्था मित्र सेवा प्राइवेट लिमिटेड जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिए और जो युवाओं को रोज़गार देने के लिए कार्यरत है, और इसी क्रम में हम लोगों ने लोगों को जागरूक करने के लिए, स्पेशली महिलाओं को और युवाओं को जागरूक करने के लिए जो अभी विकास दीपोत्सव मेला लगा है उसमें अपना स्टॉल लगाया है, और उसमें उद्देश्य ये था कि जो भी लोग दूर दराज क्षेत्रों से वहाँ पर आएंगे उनको सारी जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी देना और स्वरोजगार के लिए क्या मुहिम चलाई जा रही है मित्र सेवा द्वारा उसके बारे में उन लोगों को जानकारी देना, ये उद्देश्य था। हमारे प्रतिनिधि वहाँ पर सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक रहते हैं और अभी तक का जो है वहाँ पर रिस्पांस बहुत बढ़िया रहा है, और कम से कम मेरे ख्याल से 8 से 10 हज़ार लोगों ने स्टॉल को हमारे विजिट किया है। इस स्टॉल का उद्घाटन जो है हमारे माननीय राज्य मंत्री जी सुरेंद्र कुमार वाल्मीकि जी, जो सफाई कर्मचारी जो संघ है उससे भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने उसका उद्घाटन किया और उन्होंने जो हम लोग ये काम कर रहे हैं उसकी बहुत प्रशंसा की और ये कहा कि ऐसे और भी प्रयास होने चाहिए ताकि जो समाज के लोग हैं उनका भला हो सके। अभी हम लोग ये मेला अभी 2 दिन और चलेगा, इसके बाद हमारा ये लक्ष्य है कि हर ब्लॉक में हर तहसील में हम लोग ऐसे ही कार्यक्रम कराएंगे, जिसके लिए महिला और बाल कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश से हमको जो है अनुमति भी मिली है कि हम हर ब्लॉक में हर तहसील में लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाएंगे और उनको जागरूक करके और सरकारी योजनाएं जो हैं उनका लाभ उन तक पहुंचाने की, और साथ ही साथ मित्र सेवा का जो स्वरोजगार कार्यक्रम है उसको भी वहां तक पहुंचाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। ये हम लोग जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी सुविधाएं, चाहे बैंकिंग आधार से पेमेंट करना, निकालना, जमा करना, इंश्योरेंस की सारी सेवाएं, सारी कंपनियों का बीमा करना, डीमैट अकाउंट ओपन करना जीरो बैलेंस अकाउंट से, साथ जीरो बैलेंस अकाउंट खोलेंगे जिसमें आपको 500 रुपये तक का कमीशन उसमें अर्जित किया जा सकता है। इसी तरीके से मैं कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक के हम लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिसमें से 100 से 150 रुपये तक का कमीशन अर्जित होता है। इंश्योरेंस में 15 से 30% तक का कमीशन अर्जित हो सकता है। इसी तरीके से हम पैन कार्ड हम इसकी बना के सेवाएँ दे सकते हैं। पैन कार्ड के बाद हम आयुष्मान कार्ड हम लोग बना सकते हैं, आयुष्मान कार्ड, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, बहुत सारी सेवाएं, जितनी प्रकार की सेवाएं सरकार के द्वारा इसमें जितने ये प्रकार की ये बनी हुई हैं, ये सारी सेवाएं ये आपको एक पोर्टल के ऊपर आपको इसमें उपलब्ध हो जाएगी, जिसमें आप लोग बस आपको इसके लिए अपना एक लैपटॉप चाहिए और एक छोटी सी बैठने की जगह हो जहाँ पे आप अपना बैठ के आप अपना काम कर सकते। अगर इतना काम आप कर लोगे तो एक 50 से 60 हज़ार रुपये की इनकम, इसमें एक अच्छी सी इनकम आप अर्जित कर सकते। कोई भी आम आदमी ज्वाइन कर सकता है इसमें। हम सिर्फ 2,000 रुपये प्लस GST की फीस, जब वन टाइम फीस जमा करके ये पोर्टल का ले सकता है और अपना स्वरोजगार अपना चला सकता है और अपना पूरा काम कर सकता है।